आज हम बात करेंगे नामकरण के बारे में कि नामकरण हम कैसे करते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी तीर चलाना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी टू न्यूमरोलॉजी बताएंगे नामकरण कैसे किया जाता है और ये सीरियल वाइज हम आपको वीडियो देंगे। अगर पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया, पूरा वीडियो अगर आपने समझ लिया पूरा सीरीज का, तो इसका चार्ज आप 11,000 से लेकर 25,000 तक ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज अगर आप सीख गए तो इसमें क्या आपको फायदा मिलेगा, हम आपको बता देते हैं कि पाइथन अगर नाम ने आपने सेट कर दिया तो पाइथन वाला जो पाइथन से देखेगा वो भी उसको काट नहीं सकता है, जो चार्लियन से देखेगा चार्लियन नोमोलॉजी से वो भी नहीं काट सकता है, जो डोसो ग्रिड से देखेगा वो भी नहीं काट सकता है, कुंडली के वाले के पास में जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे तो भी नहीं काट सकता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि नामकरण होता कैसे है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप खुद से इसको सीख सकते हैं और खुद से चेक कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो नोमोलॉजी का हम नीचे पीडीएफ भी देंगे, अगर आपके घर में किसी को चेंज करना है नाम या कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे नन्हे बच्चे का नामकरण करते हैं जो आपके घर में मेहमान आता है उसका, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में सीरियल वाइज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो चार्ट होता है ये कुछ नहीं होता है, कोई बच्चा अगर जन्म लिया, सपोज कीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/5/2019 में बच्चा जन्म लिया, अब इसका नामकरण हमको करना है तो टाइम उसका देख लीजिए 10:30 पीएम में हुआ या एएम में हुआ, उसके बाद प्लेस लिख लीजिए कहीं भी हुआ। सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कि उसका जन्म मुंबई में हुआ, अब मुंबई में हुआ तो ये जब डिटेल किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिएगा तो ये एक लग्न कुंडली खुल के आएगा। लग्न कुंडली में हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं, आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 7 से शुरू हो सकता है 6 से शुरू हो। आपको 3 घर देखना है सिर्फ, एक ये घर देखना है पहला घर, दूसरा देखना है ये पांचवा घर और तीसरा देखना है ये घर, और इसके अलावा हमको क्या क्या देखना है तो बच्चा का राशि क्या है, आगे देखना है कि बच्चा किस नक्षत्र में जन्म लिया है, और इसके आगे हमको देखना है कि राशि, पहले हम नामकरण, इसके आगे में अभी थोड़ा सा ये दोनों को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे समझाते हैं। राशि का नाम अगर हम रखते हैं तो जब सारे साथी लगेगा बच्चे का तो नाम पे भी सारे साथी लग जाएगा, नक्षत्र देखेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप 100% देख लीजिएगा कि राशि नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म लिया है, हो सकता है पूर्वाषाढ़ के वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म लिया हो तो हो सकता है पूर्वाषाढ़ के पहले चरण में उसका जन्म हुआ है या दूसरे चरण में हुआ है या तीसरे चरण में हुआ है या चौथे चरण में हुआ है, उस वो जो नाम है वहीं से नाम हमको कंसीडर करना है। अब वो नाम सपोज कीजिए इसमें आपको 90% केसेस में मिलेगा कि ये नाम इस नाम से मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको इस वक्त ध्यान देखना है कि कुछ ऐसे डिजिट होंगे जो नहीं मिलेगा, शुरू राशि में शुरू से नहीं होगा, उसका पहला नहीं होगा, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। जैसे हो अगर हम मेष की हम बात करते हैं तो सी से सी एस से मे मामी ये सबसे जो चालू होता है तो ये मेष राशि कहलाता है, तो उसी प्रकार हम पहले राशि का देख लिए, राशि का हम यहाँ पे नाम देख लिए। चलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम दूसरे पार्ट में हम इसके आगे चल रहे हैं, आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखते रहिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा।